जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आर्मी स्पेशल सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 30 प्लस क्वेश्चन आपके लिए जीके और जनरल साइंस के रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके लिए सीरीज़ रहेगी। वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है, पुष्प है, उसका नाम है रेफ्लेशिया। तो रेफ्लेशिया जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो अगर लाइफ साइकिल की बात करें, जो हमारा प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल से अगर हम देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो होता है उसका फूल। नेक्स्ट वन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ब्रिक में जो है वो मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ब्रिक को किडनी या गुर्दा भी कहा जाता है। तो हमारे गुर्दे में, हमारे शरीर में जो है वो रक्त का प्योरिफिकेशन या फिर शुद्धिकरण जो है वो किया जाता है। सारे क्वेश्चन आपके आर्मी लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके लिए सीरीज़ रहने वाली है। नेक्स्ट वन है, सफ़ेद रक्त कण जिसको WBC भी हम बोलते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना जो है वो WBC का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट वन है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर तांबे का विशाल भंडार है? तो उस जगह का नाम है खेतड़ी क्षेत्र। तो खेतड़ी में जो है तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट वन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख धान्य फसल है उसका नाम है चावल, और चावल जो है ये हमारी है एक खरीफ फसल, जो मुख्य रूप से जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। नेक्स्ट वन है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों के दो मुख्य कार्य हैं जो हमारे लिए भी कुछ उपयोगी रहे। पत्तियाँ जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 जो हैं वो लेती हैं, और साथ में बाद में फोटोसिंथेसिस और इवेपोरेशन के थ्रू जो हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। नेक्स्ट वन है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो उपयोग किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, चित्रकार, शिल्पकार के द्वारा, उसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जो है वो जानते हैं, POP जो है उसको हम जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जो है वो इसका फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट वन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो सोने में मिलाई जाती है उसको कठोर करने के लिए? क्योंकि आपको पता ही है प्योर सोना जो है वो होता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का प्योर सोना होता है, और प्योर सोना जो है उससे हम कभी भी गहने जो हैं, आभूषण, ज्वेलरीज वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो हल्का सा लिक्विड की फॉर्म में होता है, मतलब हाई विस्कोसिटी के साथ वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है। इसको कठोर करने के लिए जो है वो उसमें मुख्य रूप से तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट वन है, कौन सी सबसे भारी धातु है? तो ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु हमारी मानी जाती है। नेक्स्ट वन है, कौन सा इनमें से आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो CO2 जो है वो इसका हमारा फॉर्मूला रहता है। और कोक की बोतल जो होती है हमारी, उसमें उछाल देने के लिए भी CO2 गैस का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो पेड़ के नीचे जो है वो रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हमारे शरीर के लिए जो है वो मुख्य गैस है वो है ऑक्सीजन। यदि हम रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, मतलब पेड़ के नीचे सोएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते रहेंगे, तो उसकी वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ हमारा
जो कॉन्टैक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाएगा, उस वजह से ह्यूमन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मानव शरीर में पाया जाता है? तो उसका नाम है ऑक्सीजन। प्रचुर मात्रा में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में पाई जाती है। ऑक्सीजन से एक आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, O3 ये भी एक हमारा ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप या फिर अपरूप है। O3 को हम बोलते हैं ओजोन, और ओजोन जो है वो हमें UV से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो जो हम टमाटो सॉस यूज़ करते हैं उसमें जो है वो एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक एसिड जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। बात करें कि टमाटर का जो लाल रंग है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है वो होता है हमारा लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण जो है वो टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट वन है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता था? तो अरस्तु को जो है वो बायो के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा पौधा है उसका फल जो है वो भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वो है हमारा मूंगफली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट वन है, कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप से प्रदान करती है उसका नाम है कोशिका भित्ति। तो सेल प्लास जो है ये हमारी कोशिका को एक निश्चित रूप में प्रदान करती है। नेक्स्ट वन है, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें कौन सा रंग होता है, हरा रंग जो है वो किस कारण होता है, कौन सा पिगमेंट है? तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है वो पत्तियों का रंग हरा होता है। मैं बात करूँ खून के रंग की, तो खून का रंग होता है लाल, और खून के रंग में हीमोग्लोबिन में जो है वो पाया जाता है आयरन, जिसको Fe से डिनोट करते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में भी हमारा एक एलिमेंट पाया जाता है जो है हमारा मैग्नीशियम, जिसको Mg से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में जो है ये हमारा स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागपुर जो है ये हमारा किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट वन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? आर्मी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। तो भूरी क्रांति जो है ये संबंधित है उर्वरकों के उत्पाद से, जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उनसे जो है ये भूरी क्रांति संबंध रखती है। नेक्स्ट वन है, मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो जब भी पशुओं के बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा कौन सा हार्मोन जो है वो सक्रिय होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है नामक हार्मोन जो है वो सबसे अधिक निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जो है वो भारत के अंडों की टोकरी और साथ में एशिया के अंडे जाता है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो अंडे पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश से। एक और फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से ही एक नया राज्य हमारा बना है, उसका नाम है तेलंगाना। तो इन दोनों की राजधानी जो है वो है हमारी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट वन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बरेली में जो है ये हमारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट वन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत नहीं है, बंगाल है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट वन है, सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो सुंदरबन जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल है, इसका जो डेल्टा है ये किस नदी पर बनता है? तो वो है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी को जो है वो भारत की पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट वन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में जो रेल मार्ग हैं उनका सबसे बड़ा जाल जो है वो देखा जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस बार जो आपके आर्मी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से आपको एक सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो उसी वे में आपको जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वन है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? ये काफ़ी बार, इस बार 2020 के जितने भी आर्मी के एग्ज़ाम हुए हैं मोस्टली उसमें से ये बार बार क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, और इसको राजस्थान नहर परियोजना भी कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट वन है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है बिलासपुर में, और इसको जो है वो गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल तारा या फिर लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो वो है हमारा मंगल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।